बोलो। जहां तक मुझे हो रही है कि नहीं हो रही, सुधीर माई वॉइस इज क्लियर और नॉट? प्लीज माइक को चेक कराइए कि आप मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिएगा। सुधीर, ललिता पटेल जी, वेरी गुड इवनिंग, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आप तक शायद पहुंच रही होगी। सबसे पहले आज मैंने ये सोचा है कि क्लियर करिए, एक बार मैसेज डालिए तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं जो आप मैं बोल रहा हूँ। ये बस पंकज जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है सुधीर जी, क्या हाल चाल है? आवाज आ रही सुधीर? आ रही है सर, आ रही है। चलो, कैसी लग रही है आवाज? सर बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, ओके। देखो, आज मैंने ये प्लान किया है थोड़ा सा अपने रूटीन में, रूटीन का मतलब पैटर्न, पढ़ाने के पैटर्न में चेंज करते हुए। जैसे कि मैं लगातार एकदम से क्वेश्चन जो करा रहा था, तो उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो उस प्रॉब्लम का समाधान भी मैं लेकर के आया हूँ। जैसे क्या होता है, आप भी अपने बच्चों को जब पढ़ाते होंगे तो आपको भी लगता होगा यार ये समाधान होना चाहिए था, तो वो समाधान मैंने ढूंढा है। समाधान क्या है और क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ, अनमोल जी, विनीता जी और रश्मि पंकज जी, सभी को ये बताऊँ कि मैं जो भी टॉपिक आपसे डिस्कशन करूँगा उसकी कुछ सिंपल सी ट्रिक्स, उसके सिंपल से क्वेश्चंस बेस फार्मूले, क्वेश्चन बेस फार्मूले, ये थोड़ा सा अगर बता दूंगा तो जो ये रहेगा कि बाकी तो ये है कि आपको मैंने वीडियोस डाली हुई है, पढ़ लेंगे आप। जहाँ पर जाके 98 या 100 वीडियोस पड़ी हैं उनको देखिएगा लगातार, उसमें और भी बढ़ेंगे, करीब 150 वीडियो, 50 और डालूंगा, तो 150 वीडियो है उनको देखिएगा ध्यान से आप। लेकिन हम हर वीडियो में क्वेश्चन कराने से पहले आपको छोटे छोटे फार्मूले, 20 से 25 मिनट का ये क्लास चलेगा डेली। उससे ये रहेगा कि आपका ये याद आ जाएगा कि सर फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, कि सर यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देनी पड़ेगी, आपको आराम हो जाएगा, है ना। रोज मतलब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग बेचारे सुन रहे हैं, मन में गाली भी दे रहे हैं अनु सर को यार कि अनु सर डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये सब चीजें आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मनोज, कैसा है सुझाव मेरा बताइए? अनमोल जी, मनोज जी लाइन पे है, रश्मि पंकज जी, सुधीर गुप्ता एंड ललिता पटेल, मैसेज के थ्रू बोलिएगा, बात नहीं करनी, मैसेज के थ्रू बोलिएगा, मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे जहां तक अनुमान है। 20 से 25 मिनट में मुझे लगेगा कि मैं इस चीज को
ज्यादा ठीक कर पाऊंगा, अपनी कंडीशंस को ज्यादा इम्प्रूव कर पाऊंगा, है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर आप जो है मुझे कोऑपरेट करिएगा इस चीज पर। सबसे पहले हम लोग आज एक छोटे से फार्मूले के थ्रू इक्विलिब्रियम टॉपिक जो मैंने डिस्कशन किया है उस टॉपिक को मैं डिस्कशन आपके सामने करूंगा, और मुझे लगता है कि आपको आज बेनिफिट जरूर होगा। पहले आप ध्यान से सुनते रहिएगा, ये स्मॉल जिसे हम क्विक रिवीजन बोलते हैं, ये वही होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्विक रिवीजन इक्विलिब्रियम का, क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन लिख देता हूँ, सुनते रहिएगा बाज, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का जो ये क्विक रिवीजन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा और अच्छा भी लगेगा। यहाँ पर मेनली जो टॉपिक रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे उनकी हम लोग बात करते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम के जनरली दो हिस्से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, एक होती है आयनिक इक्विलिब्रियम और एक होता है सिंपल इक्विलिब्रियम। एक होता है हमारा इक्विलिब्रियम और दूसरा हमारा हो जाता है आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो यानी हम इन दो टॉपिक को तो इन दो दो टॉपिक के पहले फार्मूले और सबको आपको रिवाइज करा देंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, देखना मजा जरूर आएगा आपको। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूं, सुनते रहिएगा। एक तो सबसे पहले आपने पढ़ा था ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, तो अब किसी को अगर ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ का फार्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। एक तो ये फार्मूला ध्यान रख सकते हो, या दूसरी कंडीशन आपके सामने ये भी हो सकती है, अगर फार्मूला कभी पूछ लिया है तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी के बराबर भी होता, ऐसे भी देख सकते हो। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखना चाहो तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके इसके डाइल्यूशन के होता है, इसको हम लोग डाइल्यूशन वर्ड भी यूज करेंगे। देखो आज आपको क्वेश्चन करने में भी अच्छा लगेगा और समझ में भी ज्यादा है, मैंने अपनी स्ट्रेटजी को आज दिमाग लगाया कि आखिरकार क्या किया जाए। लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो पीजीटी लेवल पे बहुत परेशान करता है और लोग जल्दी गलत कर देते हैं, ये केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट पर अप्लाई होता है, तो इट इज एप्लीकेबल ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पर एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ये एप्लीकेबल है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर अल्फा की वैल्यू या तो अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वन कर दीजिए, तो उस समय अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूनिट हो जाती है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है जान लीजिएगा आप। और ये केवल मतलब इस क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, तो यहां लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं इसीलिए ये ऐसा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक बात, दूसरी बात, अगर जब ये वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं तो आपको साथ में ही पढ़ना पड़ता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट। मैं यहाँ पर आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में ब्रॉन्स्टेड लॉरी को बता दूंगा, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट आपको क्या बताता है कि देखो ये बताता है कि अगर मान लो आपके पास में एच ए है, इसमें से एक एच यहाँ से निकाल दीजिए तो ए नेगेटिव हो जाएगा, और ए नेगेटिव में एक एच जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा, तो ये आपका एसिड हो गया, ये आपका एसिड हो गया क्योंकि ये डोनर हो गया प्रोटॉन का, ये बेस हो गया क्योंकि ये एक्सेप्टर हो गया प्रोटॉन का। देखो कितने हिंट में मैं आपको एक प्रोटॉन से जो डिफर करे वो कॉन्जुगेट एसिड बेस कहलाएगा, तो जो एक प्रोटॉन से डिफर करे वो बह
कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएगा, एसिड बेस पेयर कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं आपसे। 16 तारीख को मुझे बिल्कुल पूरी इसी स्ट्रेटजी पर लगा हूं, क्या करूं मैं। देखिए यहां पर क्या है कि मैं अगर HCl की बात करता हूं तो HCl में क्या है, अगर HCl को मैं देखूं तो यहां पर एक एच निकाल दीजिए तो यहां पर Cl निगेटिव, इसमें एक एच जोड़ दीजिए तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ये कंसेप्ट आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो कोई आपसे कहता है कि HClO4 है मान लीजिए, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाइए तो ये तो कॉन्जुगेट एसिड हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए तो फिर कॉन्जुगेट बेस आपको ये वाला दिखाई दे जाएगा, ये वाला दिखाई दे जाएगा। और यहां पर अगर एच जोड़ दीजिए तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम आपसे ये चाहते हैं कि अगर आप इस तरीके की चीजों को ध्यान रखेंगे तो कॉन्जुगेट बेस एसिड बेस पेयर पहचान लेंगे, अब ज्यादा समय नहीं बताना इस पर। दूसरी चीज, आपको एसिड की स्ट्रेंथ पे भी क्वेश्चन हो सकता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, फार्मूले ध्यान देते रहिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है ना, वन एसिड वन, और यहीं पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड टू, स्ट्रेंथ ऑफ, याद हो रहा है नहीं कुछ, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड टू, कुछ याद आ रहा है गुलाब साहब, कुछ याद आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है। यहाँ पर इज अंडर रूट हो जाता है आपका, उल्टा कर दीजिए, एसिड वन है तो इसका नीचे ले आइए, मतलब ये ऐसी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ Ka1 कर दीजिए, यहाँ Ka2 कर दीजिए, उल्टा ना करिएगा, मतलब इसके सामने लिखिएगा, ऐसे करिएगा। लेकिन अगर बेस की बात करें तो वही कंसेप्ट यहाँ भी आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू, गुलाब साहब मनोज जी कुछ समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें क्या होगा कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, अगर नहीं याद आ पाएंगे तो एकदम दिमाग में तो आप क्लिक करेंगे, जरूर करेंगे। ऑफ एसिड की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें ऐसी भी पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पर, जो यहाँ हो सकता है एक आध टॉपिक कोई सिलेबस से हट गया हो, तो वो आप ऐसा ना सोचिए कि सर ये सिलेबस में नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मान लो आप केवल KB तो देने नहीं जा रहे हो, अब टॉपिक चल रहा है तो छुटपुट टॉपिक चलते ही रहेंगे, तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये चीज है, लुईस कंसेप्ट किस पे डिपेंड था? देखो लुईस कंसेप्ट जो था वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड था, लुईस कंसेप्ट जो था वो हमारा इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड था, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट माना जाता है इसे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मानते हैं, ठीक है। एक बात आपको बता दूं, दूसरी बात आपको बता दूं, इसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना जी। अनमोल जी कुछ रिस्पांस दीजिए कि अब यहाँ पर क्या होता है, वाटर के अंदर जैसे कि मान लो कहीं पर भी हमने एसिटिक एसिड डाला तो स्ट्रेंथ पानी में क्या है, कोई दूसरा एसिड डाला तो इसमें क्या है, ये सब चीजें भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो लुईस एसिड जो होते हैं वो तीन कैटेगरी में करे गए हैं, एक तो मॉलिकुलर फॉर्म में होते हैं, एक आयनिक फॉर्म में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस तरीके के लुईस एसिड जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं आपको पता है लुईस एसिड होते हैं, जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, ये सब आपको जानकारी में याद दिलाता चल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसी लाइन में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी लाइन में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ की जानकारी हमें रहनी चाहिए। जैसे कि मान लो हमें HClO कम एसिडिक होता है, HClO2 ज़्यादा एसिडिक होता है, HClO4 HClO3 ज़्यादा होगा, HClO4 उससे ज़्यादा हो जाएगा, एक बात आपको बता देना चाहूँगा। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, अगर मान लो इसी कैटेगरी में वाटर वाली लाइन ले ली जाए तो H2O कम बेसिक हो जाएगा, H2S उससे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद H2SE उससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर H2TE उससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसी तरीके से HF को ले लेते हैं तो HF कम हो जाएगा, HCl उससे ज़्यादा हो जाएगा, HCl उससे ज़्यादा हो जाएगा, HBr उससे ज़्यादा हो जाएगा, HI उससे, ये सब एसिडिक ऑर्डर लग गए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। एक बात अगर मान लो आयनिक देखो तो ClO नेगेटिव सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, अगर मतलब सॉरी उल्टा बोल गया मैं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं क्योंकि एसिडिक में तो ये चल रहा था ना, बेसिक स्ट्रेंथ में बात करूं तो उसका अगर हम लोग जो कॉन्जुगेट बेस है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, तो यहां तक तो एसिडिक की बात कर रहा हूं, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर हो गया, यहां पर लिख देता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर हो गया।
इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा लिख लो, दावा है मेरा 2023 में जो पेपर अभी इसका होगा, बस एक क्वेश्चन इस कैटेगरी में से मिलेगा, चाहे कहीं से भी मिले। अब इसी के बाद अगर मैं लिख देता हूँ CLO नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर चलेगा, तो ये कॉन्जुगेट बेस कौन सा स्ट्रांग होगा, जो वीक एसिड वाला होगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो ये हो गया आपका कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब ऐसे लिख सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, ये चीज भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब दूसरी चीज आपको और बताऊं, अगर अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि एसिडिक करेक्टर एच ओ सी एल का आ गया, फिर एच ओ बी आर का आ गया, एच ओ सी एल का आ गया, एच ओ बी आर का आ गया, एच ओ आई का आ गया, तो इसमें तो एसिडिक करेक्टर यहाँ जाएगा, जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर घटेगी उतना ही बेसिक करेक्टर भी घटेगा, या ऐसे बोलो जितने भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं अगर वो सेम कैटेगरी के ग्रुप में आते हैं तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा आप निकालते चले जाइए, ऑक्सीडेशन स्टेट घटती चली जाए, तो ऐसे हम बोलते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं घट रही है तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ लिख देता हूँ, इफ इफ नो चेंज इन, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कोई चेंज नहीं होता है, देन देन एसिडिक करेक्टर क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज करेगा, मैंने इंक्रीज शायद बोल दिया था, यहाँ डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग में ये फितूर नहीं रहे। एक चीज और भी बता देता हूँ आपको, अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं, यहीं पर देखिए ये सिलेबस में नहीं है, मैं बोले दे रहा हूँ, फिर भी एक चीज, यूपी की जो पीजीटी की तैयारी करेंगे, यूपी पीजीटी की तैयारी करेंगे, जी रश्मि जी बोलिए जल्दी से, रश्मि जी बोलिए, सर एक कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आया कि जो एच एफ एस सी, इसमें जो है एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर के साथ, जब नहीं, वो लगा एसिडिक देते करेक्टर हैं। घट घट रहा है, घट रहा है यहाँ पर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप मान लीजिए निकालते हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम ही आएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका देखिए ये बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर घटेगा, मैंने यहाँ पर लेकिन देखा, सर फर्स्ट वाले में जहां आई नहीं ओ नहीं है वहां तो घट रहा है, हाँ वहां वहां तो तो बढ़ घट रहा रहा है, वही है, वहां पर ऑक्सीडेशन, डिफरेंस। वहां पर तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मैडम, यहाँ +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ +7 है, देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ बढ़ता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर +1 आ रहा है, यहाँ पर भी +1 आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस, अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है तो मैडम फिर उस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो फिर एसिडिक करेक्टर घट जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये वाले में मैं बोल रही हूँ, जो एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई में, उसमें हाँ तो सेम ही है नहीं नहीं ऑक्सीडेशन नहीं नंबर। नहीं नहीं आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन यहाँ पर मालूम क्या, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का असर पड़ रहा है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ये थोड़ी कम है, ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो गई, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा और हो गई, ये बॉन्ड लेंथ और ज्यादा हो गई, इससे क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट गई, तो ये ऑर्डर जो चलता है ये क्या होता है, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा और एच जल्दी रिलीज हो जाएगा, जी, समझ गई बात, तो इस और जब वजह से जब ऑक्सीजन रहेगा तो उल्टा हो जाएगा ना सर उल्टा, इसमें। हाँ बस उल्टा चलेगा, बस कोई दिक्कत है ही ओके नहीं, ओके सर, ठीक है। चलिए, ओके सर, जो कुछ लोग जो है, कुछ ऐसे लोग हैं साथी भाई बहन हैं जिनके केस में आपने नोटिस किया होगा कि
यूपी का जब वो पढ़ेंगे तो यूपी के केस में लक्स फ्लड कंसेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा। लक्स फ्लड कंसेप्ट भी, FLOOD फ्लड कंसेप्ट भी, मैंने इसकी पूरी डिटेल समझाई है, इसकी वीडियो अपलोड शायद कर दी है, नहीं की है तो आजकल मैं कर दूंगा, क्योंकि मेन वीडियोज अभी वो अपलोड की है मैंने जो KB के लिए जरूरत है। एक तो लक्स फ्लड आपको पढ़ना पड़ेगा, एक उसानोविच पढ़ना पड़ेगा, उसानोविच कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, उसानोविच कंसेप्ट ये पढ़ना पड़ेगा, ये मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी चूंकि समय इसमें न वेस्ट करके मैं आगे बढ़ूंगा, इसलिए इस पे ध्यान नहीं देना है मुझे, मैं आगे भी इस पे ध्यान दूंगा। इसके बाद आपने अगर लक्स फ्लड कंसेप्ट, उसानोविच कंसेप्ट ये पढ़े हुए हैं तो ये आपके लिए बड़ा काम करेंगे दोनों। इसी के साथ अब हम लोग pH वैल्यू वाले फार्मूले पे चल लेते हैं कि देखिए pH के केस में जहां पर भी आपने नोटिस किया होगा तो pH वाले फार्मूले पे लिख देता हूँ। यहाँ पर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन हो जाता है। इसी तरीके से pOH, अभी आपको याद भी आ गया होगा, देखिए 10-15-20 मिनट आपके लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, यहाँ पर OH नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो दोनों को देखोगे तो pH प्लस pOH इज इक्वल टू हो जाएगा 14। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल चलेंगे, है ना। एक चीज दूसरी, आपने इन्हीं से जुड़ी हुई बफर सॉल्यूशन का नाम जरूर सुना होगा, जब आप एसिड बेस पढ़ते हैं तो बफर सॉल्यूशन आपसे बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी pH वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चाहे हम एसिड डालें या बेस डालें। इसी को समझाने के लिए हैंडरसन ने एक इक्वेशन दी थी जिसका नाम है हैंडरसन हैंडरसन हैसलवॉक इक्वेशन, है ना, हैंडरसन हैसलवॉक, हैसल वॉल्च इक्वेशन बोला जाता है, हैसल वॉल्च इक्वेशन बोला जाता है। तो हैंडरसन हैसल वॉल्च इक्वेशन की जब बात आती है तो ये समझ लो ये पैट क्वेश्चन माना जाता है, ये तो रखा ही मिलना रहता है। पीएच होगा तो यहाँ पर बच्चा पी के ए लिखना, प्लस साइन लगा लेना। पी अगर ओच निकालना है तो भैया मेरे साहब मेरे गुरुजी यहाँ के भी रख लियो, इसके बाद लॉग ले लेना, यहाँ पर भी लॉग ले लेना, दोनों तरफ लॉग की कंडीशन ले लेना, और लॉग को लिखने के बाद यहाँ पर क्या कर देना, आपको सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसेंट्रेशन लिख देनी है। तो यहाँ पर मैं सॉल्ट अपॉन एसिड लिख देता हूँ, और दोनों की कंसेंट्रेशन है तो बोलना नहीं, चुपचाप इसे ऐसे डाल देना, यहाँ सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसेंट्रेशन, फिर यहाँ पर इस तरीके से डाल देनी है। तो मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ये कहलाती है हेंडरसन हैसलवॉक की क्वेश्चन। यहीं पर एक क्वेश्चन बफर कैपेसिटी का भी आ सकता है, बफर कैपेसिटी, ये बफर कैपेसिटी क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फार्मूला ईटा इज इक्वल टू होता है डेल्टा pH, जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी इस बफर कैपेसिटी के फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे, PDF देख लीजिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ लेते हैं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोग नोटिस करते हैं जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH होता है, ये क्या होता है, ये आपको याद आ जाएगा, KW अपॉन सपना। आज तो शिकायत मत करना कि अनुसर एकदम क्वेश्चन न लगाइए, कम से कम फार्मूले तो याद करा दीजिए, मैंने आपकी बात को ध्यान दिया समझाया। ये हालांकि आपने नहीं कहा था ऐसा, आपने नहीं कहा, ये भी बोले दे रहा हूँ, क्योंकि ये बात मुझे आपकी बातों से लगी कि सर मुझे क्वेश्चन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम लोग निकालते हैं, बातों से महसूस हुआ कि एकदम से क्वेश्चन कराना आपके लिए हैट्रिक बन रहा था, इसलिए मैंने ये विचार किया कि कुछ ना कुछ चेंज किया जाए। KH अपॉन यहाँ पर C हो जाता है, इसको लिख सकते हो। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना, चलिए मेरी वॉइस शायद क्लियर आ रही होगी। तो यहाँ H इज इक्वल टू KH अपॉन C हो जाता है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इज इक्वल टू, इसी को तोड़ सकते हैं और फार्मूले को तोड़ सकते हैं, यहाँ से KW हो जाता है, KW अपॉन हो जाएगा आपका KA इंटू हो जाएगा आपका C, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो ये फार्मूले पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है। इसी तरीके से अगर आप इसी, ये हमने लिया किसका लिया था, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का लिया, यहाँ लिख देता हूँ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का फार्मूला हो गया। अगर यही हम लोग स्ट्रॉन्ग उल्टा कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कर दें वीक बेस कर दें, तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर KH इज इक्वल टू ले लेना KW, और यहाँ KA है तो यहाँ KB ले लो, कुछ नहीं करना है, KB ले लो बस, है ना। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज इक्वल टू, ऊपर क्या था वहाँ KH अपॉन C था, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, KH अपॉन C ही रहेगा, चेंज तो होना नहीं है, तो यहाँ KH अपॉन C ही रखिएगा, लेकिन अब यहाँ बदल जाएगा,
यहाँ ए था यहाँ के भी कर दीजिएगा। देखो याद करने के तरीके होते हैं, बाकी तो बहुत कुछ याद, बोले साहब इतना याद कैसे होगा, तो याद ऐसे ही होगा जैसे हम बता रहे हैं आपको। इसी तरीके से इक्वेशन को अगर आप ऐसे लिखना चाहें, जैसे इस इक्वेशन को एक तरीका और था कि पीएच इज इक्वल टू लिख सकते थे, पीएच इज इक्वल टू लिख सकते थे, इसे खोल लीजिए ओपन कर दीजिए तो माइनस भाई पावर में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ माइनस साइन के साथ लॉग के टर्म में यूज कर रहा हूँ, 1/2 हो जाएगा। अंदर आप लिख सकते हो लॉग क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा आपका के डब्ल्यू, तो यहाँ पर लिख देता हूँ लॉग के डब्ल्यू लिख देता हूँ, प्लस लॉग ये आ जाएगा, माइनस माइनस है ना, प्लस हो जाएगा ये, तो लॉग के ए हो सकता है, फिर माइनस लिख लीजिए लॉग सी कर दीजिए, है ना। यहाँ पर सी क्या है, कंसंट्रेशन मोर पर लीटर में हो सकती है, इसी को भी इसको भी चेंज करना चाहो तो इसको कर लो। देखो पीएच इज इक्वल टू हाफ, माइनस साइन के साथ हाफ हो गया, यहाँ लॉग आपका के बी के डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा लॉग प्लस लॉग के ए है, तो यहाँ प्लस लॉग के प्लस लॉग के ए, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से लॉग के ए माइनस माइनस प्लस होगा। एक बार यहाँ साइन देखिएगा, यहाँ साइन कहीं गलत तो नहीं लग रहा है, लॉग के माइनस लॉग के हो गया, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, एक बार चेक करिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में जाएगी, माइनस में एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर। माइनस लॉग के बी कर दीजिएगा, माइनस लॉग के बी और प्लस लॉग लॉग सी कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा देख लीजिए एक बार चेक करिएगा इसे। एक बात दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा यहीं पर इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कुछ चीजें फटाफट फटाफट इसलिए यहाँ पर रखी जो आपको याद आ जाए। इसी तरीके से वीक एसिड और वीक बेस दोनों ले लो, तो यहाँ पर वीक एसिड वीक बेस ये तो किसका हो गया, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक मैं इधर लिख रहा हूँ, ये उल्टा था, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, ये आपका वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अब आपका वीक एसिड भी हो प्लस वीक बेस भी हो, दोनों चीजें वीक हो, तो फिर दोनों मिला दो बच्चा, के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के डब्ल्यू हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा के ए इंटू के बी आ जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हो, तो ये सब फार्मूले पॉसिबल हैं और चलते रहेंगे ऐसे। ये तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको काम आएगी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो है वो पीजी चीज में बहुत परेशान करता है, आपको बताना चाहूंगा यहीं पर। आगे मैं चल रहा हूँ और इसी कंटिन्यूटी के साथ में क्वेश्चन अभी कराऊंगा आपको, मैंने आधा घंटा ले लिया है और इसी आधे घंटे में आपको बहुत सारी चीजें याद भी आई होंगी, है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको बिल्कुल अभी, मैं आपको कुछ इक्विलिब्रियम से जुड़ी ही बातें भी बताऊंगा, इक्विलिब्रियम से जुड़ी बातें पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे कि आपने एक फार्मूला ये भी पढ़ा होगा, अगर मान लो ए मोल ए के लिए थे प्लस बी मोल बी के लिए थे, तो आपने सी मोल सी के बनाए थे, डी मोल डी के बनाए थे, है ना, डी मोल डी के बनाए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपने के सी जब लिया था, सभी लोग थोड़ा सहयोग करेंगे, अच्छा लगेगा, सी मोल सी के चले जाएंगे, डी मोल की पावर डी के चले जाएंगे, और थोड़ा देखिए अगर कुछ पाना है तो नींद को आपको त्यागना पड़ेगा, मैं भी आपके साथ समय दे रहा हूँ, जल्दी नींद ना आए भाई। देखो नींद तो सबको, अगर नींद ही आएगी, अगर नींद आ गई तो फिर इसका मतलब है कि हमारा भविष्य सो रहा है, नींद मत आने दीजिए। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आपके लिए पढ़ता हूँ भाई साहब, कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, आपके लिए पढ़ता हूँ, फिर आपके लिए पढ़ाता भी हूँ, इस बात को कहने में मुझे शर्म इसलिए नहीं लगती है क्योंकि आ टीचर कैन नॉट टीच हिमसेल्फ और हर सेल्फ अंटिल टीच, समझ रहे हैं, यानी कि जब तक कोई टीचर अपने आप को तपाएगा नहीं, तब तक दूसरे को नहीं तपा सकता, ये तय है, बिल्कुल तय है। तो अगर कोई कहे नहीं सर मैं बिना पढ़े पढ़ा देता हूँ, तो दुनिया में सबसे बेवकूफ टीचर वही होगा जो बिना पढ़े पढ़ा देता होगा, है ना, बिल्कुल ये बात सत्य है। तो फिर आप अपनी नींद क्यों नहीं खराब कर सकते यार, तुम्हारे लिए मैं 11 बजे तक जगने को तैयार हूँ, जगिए मेरे साथ। आप कहते सर नींद आने लगी, थक गए हूँ, नहीं भागने लगते हैं लोग लाइव क्लास में से, देखता हूँ कि लास्ट में मोमेंट तक जाकर के 20 ही 22 14 15 रह जाते हैं, ठीक। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथ बैठी है, उसके बाद मुझे सुबह में मुझे भी उठना है, मुझे भी कॉलेज जाना है जल्दी, तो ये बात आप ध्यान दीजिए, अगर आप लोग मेरे साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। आप भी टीचर हैं कहीं पर, कुछ के साथ समस्या है कि सर मेरे कॉलेज जाना है, ये करना है, तो यार जो काम तुम कर रहे हो वो हम भी कर रहे हैं, जब तक आप अपने आप को नहीं जलाएंगे तब तक दूसरे को रोशनी नहीं दे पाएंगे, मेरे भाई बहनों ध्यान दीजिए इस चीज पर, तपाइए अपने आप को, जो तप गया वही
चमक भी देता है बाद में, ये भी तय है, जो तपता है वही बाद में चमक देता है, तपने से पहले बहुत कम चीजें चमक देती हैं। ध्यान दे, लोहा लोहा बिना तपाई चमकता है ना, जबकि सोना तपाने के बाद चमकता है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर केपी के वर्ड में लिखना चाहते हैं तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पी सी की पावर सी हो जाएगा, और यहाँ पी डी की पावर डी हो जाएगा, और अगर यहाँ पर पी ए की पावर ए हो जाएगा, और पी बी की पावर बी हो जाएगा। इस टर्म में भी लिख सकते हैं, केपी केसी का रिलेशन भी आपने जाना होगा, केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी इंटू आर टी की पावर होता है डेल्टा एन। वॉइस नहीं आ रही है रश्मि पंकज, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं होगा। रश्मि पंकज जी, वॉइस नहीं आ रही क्या? चलिए ठीक है, आ रही है, मुझे कंफ्यूजन था थोड़ा सा, चेक करिएगा, आ रही है ना सपना, वॉइस आ रही है सपना बेटा? मुझे लगा कि मैंने पहले कंफर्म कर लूं। देखिए तो इसकी पावर डेल्टा एन आपने देखा, ये हो सकता है। एक फार्मूला ये भी ध्यान रखिएगा, काम आएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसमें डेल्टा एन की वैल्यूज के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी तो ये कुछ फार्मूले मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपको बता दिए। इस पे एक क्वेश्चन और भी आपको तैयार करना पड़ सकता है, जैसे कि मान लीजिए, हिंट दे देता हूँ, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इस तरीके से ये N2 बनाता होगा और ये यहाँ पर 3H2 बनाता होगा ऐसे। लेकिन अगर मान लो इसका इसका के की वैल्यू, मान लो के जो है इसका, सपोज कर लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, दूसरा अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 2N3, सॉरी यहाँ पर मैंने ये क्या किया, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल लिया था, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, यहाँ पर 3/2 कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं 2N3 ले लेता हूँ तो इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर N2, और यहाँ पर 3H2 लिख देता हूँ, इसको मैं K2 लिख दूँ। इन दोनों के रिलेशन भी आपसे आ सकते हैं, के इन दोनों के क्या रिलेशन है, पॉसिबल है, उल्टी भी हो सकती है रिएक्शन एंड सो ऑन, मतलब ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, और तीसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है पलट जाए, N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3 की कंडीशन भी पॉसिबल है, और उसके बाद हाफ N2+3/2H2 रिवर्सिबल NH3, इन सब इक्वेशन का रिलेशन भी पॉसिबल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इन्हीं से जुड़े हुए अब हम आपके सामने 70 क्वेश्चंस बहुत बढ़िया, बहुत धांसू लेकर के आएंगे। इन 70 क्वेश्चन पे आपको कंसंट्रेट रहना, लेकिन मेरे दिमाग अभी मेरे आपसे बात हुई थी कि एक क्वेश्चन जो है पीजीटी लेवल पर बहुत आता है, वो क्वेश्चन क्या है अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो क्वेश्चन है कि अगर पीएच वैल्यू, एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन ये आ भी चुका है, अभी जल्दी भी आया था क्वेश्चन, यहाँ लिख रहा हूँ आंसर, आगे लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट द पीएच वैल्यू, कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl। ठीक है, एक चीज ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊं यहां पर, कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10⁻⁰ मोलर MgOH का होल ट्वाइस। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन आने की संभावना है, बताएंगे आप लोग इसमें से कोई चीज। पहले वाले का आंसर तो सबको रट गया होगा, बहुत देखा होगा पहले वाले का आंसर, कौन बताएगा, सेंड करिए आंसर पहले वाले का। पहले वाले का आंसर सेंड करिए। पहले वाले का आंसर सेंड करिए। नहीं सेंड करेंगे, चलिए
6 पॉइंट, लुबना 6.96 आ गया है, ठीक है, पहले वाले का आंसर। अब दोनों का आंसर कैसे आया ये मैं बताता हूँ, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। क्या है यहां पर कंडीशन आपको दिखा देना चाह रहा हूं कि ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक्वा सॉल्यूशन लिया तो HCl टूटेगा, HCl टूटेगा H पॉजिटिव आयन में, Cl नेगेटिव आयन में। इसी तरीके से गंगा जल को भी तोड़ लीजिएगा, गंगा जल भी बेचारा टूट जाएगा H पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव। आंसर सबको याद है, आंसर सबको याद है, आंसर कैसे आया ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। 6.9 आंसर है, ठीक है, 9698 एंड सो ऑन, जो भी है ठीक है, 6.96 आंसर एग्जैक्ट है इसका। अब देखिए यहाँ पर आपको 10⁻¹⁸ मोलर HCl, भाई HCl है तो इतने ही H पॉजिटिव आयन बनेंगे, यहाँ पर 10⁻¹⁷ बनेंगे क्योंकि ये वाटर के जो कंसंट्रेशन होती है वो 10⁻¹⁷ ये होते हैं, -7 ये होते हैं, 10⁻¹⁴ होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल एच पॉजिटिव आयंस चेक करिएगा तो 10⁻¹⁷ प्लस 10⁻⁸ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 10⁻¹⁷, तो ब्रैकेट में 1 प्लस 0.1 बचेगा, तो यहाँ 1.1 इंटू 10⁻¹⁷ बचेगा। ये चीज ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का लॉग एच पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन की वैल्यू रखिए, माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻¹⁷। इसको सॉल्व कर लीजिए, पीएच इज इक्वल टू 7 log 10 माइनस लॉग 1.1, ये हो गया 7 log 10 तो 7 ही हो गया, माइनस लॉग 1.1 की वैल्यू देख के घटा दीजिए, 6.9 समथिंग, शायद 6 ही आता है जहां तक हमें याद है, बाकी आप देख लीजिए और 6.98 जो भी आए आंसर, बहुत सिंपल वे में आप निकाल सकते हो। एक तो मैंने आपको ये सिखा दिया, दूसरा ये वाला क्वेश्चन जो दूसरा है इसका आंसर गुलाब सा भेजो, संजय तनवार जी, रश्मि पंकज जी, अनमोल जी, सुधीर गुप्ता जी, जितने लोग इस पे हैं आज। देखिए यदि एक तो ये होता है ऑनलाइन, इस समय 23 लोग लाइव पर चल रहे हैं, बाकी लोग को यानी क्लास सबको चाहिए, केमिस्ट्री सबको चाहिए, ठीक है। कुछ हमारी भाई बहनें जो हैं वो अपने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पा रही हैं, लेकिन भैया लोगों को तो रात में भैया नहीं कुछ खाना वाना बनाना पड़ता होगा, उनको तो लेनी चाहिए क्लास, है ना। बहनों के लिए तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि चलो भाई मैरिड है, कोई आया है, घर है, वार है, बहुत सारी चीजें, लेकिन तुम तो भैया बैठ जाओ तो बैठने के बाद जो है क्लास लेना चाहिए तुमको, पॉसिबिलिटी है तुम्हें तो क्लास लेने की, जब तुम्हारे लिए तो बन के चाय भी आ सकती है गुरुजी, तो तुम तो क्लास ले लो मेरे भाई, तुम कहाँ है सो जाते हो इतनी जल्दी। तो कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द 10⁻¹⁰ MgOH का होल ट्वाइस। तो इसको जो है अगर निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने एम जी ओ एच का होल ट्वाइस जो है वो तोड़ दिया एम जी डाई पॉजिटिव में और 2OH नेगेटिव में, है ना, 2OH नेगेटिव में तोड़ दिया, ये मैंने तोड़ दिया। अब जब ये टूटेगा तो इसका मतलब इसमें OH आयन कितने बने, OH आयन बने 2 × 10⁻¹⁰। क्यों बने, कंसंट्रेशन आपको दिखा देता हूँ, ये दे रखी, तो OH आयन की कंसंट्रेशन ही तो दे रखी है, तो OH आयन की कंसंट्रेशन आपको सामने ये आ गई। जब OH आयन की कंसंट्रेशन आ गई तो गंगा जल को भी तोड़ लो, गंगा जल को तोड़ो, गंगा जल को जैसे ही तोड़ोगे आप तो क्या कंडीशन आपके सामने आएगी, दिखाई देगा बिल्कुल, क्या H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर OH नेगेटिव आयन भी वही सेम कंडीशन में है, 10⁻¹⁷ है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो टोटल OH नेगेटिव आयंस कितने बनने जाएंगे। अब आपको एक चीज और भी बता देता हूँ, OH आयन जो वाटर के हैं
वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द एमजी, यानी ओ चैन ज्यादा कहाँ दिख रहे हैं आपको, ओ चैन यही तो ज्यादा माने जाएंगे, ये तो कम हो जाएंगे ओ चैन, ये बात भी ध्यान देने वाली है। तो इसका मतलब है टोटल ओ चैन अगर निकालना चाहें तो टोटल ओ चैन ही जाएंगे, टोटल ओ एच निगेटिव आयन हो जाएंगे आपके 10⁻⁷, और आपका प्लस में चला जाएगा 2 × 10⁻¹। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए, तो ये 10⁻⁷ तो कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, एक से कॉमन आएगा तो यहाँ 0.002 बचेगा एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारा बन रह ही जाएगा, इतना बच जाएगा। तो ये हो गया आपका 1.002 × 10⁻⁷ बचा, है ना। इसको अगर लिखना चाहो तो 10.02 × 10⁻⁸ लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं। तो इसका मतलब हुआ पी ओ एच जो निकल करके आएगी, तो पी ओ एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये वाली पी ओ एच माइनस लॉग ओ एच आयन कंसेंट्रेशन, और ओ एच आयन कंसेंट्रेशन कितनी है 10.02 × 10⁻⁸ मान लीजिए आप, और ये तो लगभग लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस लॉग 10 हो गया, और यहाँ प्लस में लॉग 8 log 10 हो गया, तो उल्टा लिख देता हूँ, उल्टा लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 8 log 10, 8 log 10 माइनस का लिख देता हूँ आपका, 8 log 10 प्लस का हो गया, माइनस का log 10 लिख दे रहा हूँ, log 10.02, ये तो 1 हो ही गया, तो केवल 8 बचा। तो हमारे पास में पी ओ एच जो बची है वो 8 बची है, तो पी एच कितनी आएगी, पी एच इज इक्वल टू आ जाएगी 14 − 8, मतलब लगभग 7 point something आती है, यानी 6.99 मान लेते हैं इसे, जो पी ओ एच आएगी इसको देखो, ये 8 कहाँ बचेगी, ये तो 10.02 है साहब, ये गड़बड़ा आ जाएगी, 10.02 है, इसकी वैल्यू बदल जाएगी, 10 की 1 होती है ना, तो मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर दी। तो ये पी ओ एच जो है उसी कंडीशन में निकालिएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगी आपकी 6.99 something आ जाएगी पी एच, यहाँ तक मुझे अनुमान लग रहा है। देखिएगा पूरी 7 8 नहीं आएगी, क्योंकि ये 10.02 है, 10.02 का लॉग घटा करके देख लीजिएगा, पी एच 6 आ जाएगी, 16.69 कैसे आएगी, 6 ठीक ही निकालिएगा। तो पी एच इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा, पी एच इज इक्वल टू बन जाएगा 14 − 6.99 something जो भी बनेगा, तो पी एच इज इक्वल टू हो जाएगी लगभग 7.001 मान लीजिएगा, या ऐसा कहें कि लगभग सॉल्यूशन न्यूट्रल की कंडीशन में रहता है, क्योंकि ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए इस क्वेश्चन में गलती है, ये 6 नहीं आएगी, ये आपको पता होना चाहिए कि बेस है एम जी ओ एच का होल ट्वाइस जो है वो बेस है, उसकी पी एच कभी भी 7 से नीचे नहीं जाएगी, 7 से हल्का सी ऊपर ही रहेगी, ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, दूसरी मैं सीट आंसर सीट आपके सामने लगा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये मेरा फोटो देख लो, चेहरा देख लो, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, चश्मा लगा हुआ है। चलिए इसके बाद जो है आपके सामने क्वेश्चन का चेहरा दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए चैटिंग से शुरू करिएगा, चैटिंग से शुरू करिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है जी, द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस, अगर आयनाइजेशन बढ़ानी है तो क्या करो, पानी बढ़ा दो भाई, आयनाइजेशन बढ़ानी है तो पानी बढ़ा दो, ठीक, ढूंढो आंसर, मैंने आपको बता दिया, रश्मि पंकज आंसर ढूंढो, पानी बढ़ा दो, मैंने बोल दिया। चैटिंग में आंसर दीजिए स्पीड में, जी रश्मि पंकज जी फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, ठीक। सेकंड वाला बताइए, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन, एसिड की स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है, एसिड की स्ट्रेंथ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर डिपेंड करती है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव, इसमें एच जोड़ दीजिए, अमोनिया हो जाएगा, सिंपल सी बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, अभी मैंने बात की थी आपसे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें कौन सा है, अभी आपसे बात की थी मैंने, ढूंढ करके बताइएगा।
शिवानी त्यागी थर्ड का फर्स्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट आप बोल रही हैं, लेकिन फोर्थ वाला बताइएगा। आज जमे रहिए, बिल्कुल जमे रहिए, पूरे क्वेश्चंस खुद खींच दीजिए आज। खुद ही में खुद को कर बुलंद, इतना कि खुदा भी पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। लगाइए क्वेश्चन, करिए फोर्थ वाले पे आइए, फोर्थ वाले का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाले का फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि HClO4 है। द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर ऑफ OH- नेगेटिव न्यूट्रल आयन सॉल्यूशन इज, द कंसंट्रेशन इन ग्राम प्रति लीटर ऑफ OH नेगेटिव आयन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करिए, बताइए क्या कंसंट्रेशन आएगी। पांचवें वाले को सॉल्व करिए न्यूट्रल सॉल्यूशन में। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। डी किसका बता रहे हैं आप, ये वाले डी रतलाम किसका डी बता रही है, फिफ्थ का डी बता रही है। ये लिख दिया करिए, जैसे फिफ्थ का डी लिखना है तो ऐसे लिखिए, सही है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ AlOH का होल थ्राइस, सॉल्युबिलिटी ऑफ AlOH का होल थ्राइस इज एस मोल पर लीटर, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहां पर हमें तोड़ना पड़ेगा इसको, AlOH का होल थ्राइस का मतलब हो गया आपका एस, और साथ में हो गया आपका 3s, तो ये आपका हो गया 3s है ना। फिर आपको लिखना पड़ेगा दोनों का स्क्वायर, इसका क्यूब करना पड़ेगा, ऐसे करके करना पड़ेगा, तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, यानी कि 6 वाले का आंसर ये आ जाएगा, सेकंड वाला। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस, इसमें सबसे कमजोर बेचारा प्राणी कौन दिख रहा है। मुझे कमजोर प्राणी यहाँ सेवेंथ वाले में ये दिख रहा है, जिंक है ना। उसके बाद द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द Hg2I2 इज इक्वल टू, द धुआंधार क्वेश्चन लगाते चले जाइए, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द Hg2I2 इज, तोड़ दीजिए इसे। जब तोड़ देंगे तो क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगी आपके सामने, सिंपल दिखाई देगा हमें। ये जब टूटता है, अगर आपको पता हो, अगर ये आपको जानकारी हो कैसे टूटता है, Hg2I2 जब टूटता है तो आपको पता होना चाहिए Hg2I नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव कर दो, प्लस I नेगेटिव इसमें टूटता है, तो यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, यानी आंसर नंबर वन आना चाहिए, एथ का वन आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए, इस पे आएगा। द प्रेसिपिटेट ऑफ द CaF2 KSP इज इक्वल टू, इतना ऑब्टेंड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड, जब दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिलाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपसे उम्मीद है कि इस पे कोशिश आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने नाइन्थ का आंसर बता दिया, मैं समझ लूंगा आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। आंसर बताइएगा नाइन्थ में, द प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2 KSP की वैल्यू ये दे रखी, इज ऑब्टेंड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग आर मिक्स्ड, यानी ये आंसर मिलना चाहिए जब दोनों KSP, ये आना चाहिए जब ये वैल्यू मिले। तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर दोनों का जब मिक्स करोगे, ऑन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन, तो रिजल्टिंग वॉल्यूम जो मिलेगा वो CaF का आना चाहिए, वो कहना मुझे हाफ होना चाहिए। सेवेंथ का फ्री, फिर से सेवेंथ में क्या करना बेटा, देखो सेवेंथ का वीकेस्ट बेस पूछा है। वीकेस्ट बेस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने स्ट्रॉन्ग, ये कंप्लीट आयोनाइज है, ये भी कंप्लीट आयोनाइज है, और फिर ये एस ब्लॉक के हैं दोनों, ये भी एस ब्लॉक के, तो एस ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, जबकि जबकि जो मेटल्स होते हैं, यानी कि अगर मैं कंसिडरेशन करता हूँ ट्रांजिशन मेटल्स को, तो ट्रांजिशन मेटल के जितने भी बेस होते हैं वो सभी वीक में चले जाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर भी हमें ऑप्शन में, अभी ऑप्शन दिखा रहा हूं इसका, नाइन्थ वाले का ऑप्शन आप पहला वाला नोट कर लीजिए, ये है और ये है, कॉपी पे नोट कर लीजिए, के की वैल्यू नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ूं, फिर मैं आगे सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये बाकी ये दे रखा है, लुबना देखो ऑप्शन, आपने बोला ऑप्शन सर दिखाइए, मैंने दिखा दिए ऑप्शन, अगर आपने कैलकुलेट कर दिया तो समझेंगे वाकई में आप मेहनत कर रहे हैं, धुआंधार मेहनत कर रहे हैं।
करिए इस वाले को, करिए जब तक मैं कुछ जला हल्का सा जलपान करूं, करिए आप इसे, 1 मिनट का समय दीजिए बस। तो फिर ये वाला क्वेश्चन में जो है देख लेते हैं हम लोग, ये वाले क्वेश्चन में यहां ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू में जब हम लोग पुट करेंगे, अब आप यहां तक समझने की कोशिश करिए, सी ए डाई पॉजिटिव आयन ये वैल्यू हो गई, उसके बाद फ्लोरीन की ये वैल्यू हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब अगर यहाँ पर प्रोडक्ट दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो मुझे 5 × 5 = 25, यानी कि 1 5 × 25 = 125, 1.25 × 10⁻¹⁷ आ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, दिया कितना था वो देख लीजिए, वो दिया है शायद 1 पॉइंट कुछ दिया था, नीचे देखना पड़ेगा, 1.7 दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयनिक प्रोडक्ट, आयनेशन कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट है वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू ये। यहाँ पर देखिए ये 10⁻¹ है और हमारा आंसर आ रहा है 10⁻¹, तो वैल्यू ज्यादा आ रही है। जब ये वैल्यू ज्यादा आ रही है तो मीनिंग यही हो गया कि फिर प्रेसिपिटेशन क्या होगा, यानी कि इट विल नॉट प्रेसिपिटेटेड, हेंस इट विल नॉट प्रेसिपिटेटेड, जो अभी बोला था किसी ने, शायद बोला भी था प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो फिर 9th का ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, 9th का ऑप्शन फिर बी सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करिएगा शिवानी त्यागी, क्वेश्चन नंबर 10 करिए। शिवानी त्यागी मनोज जी, क्वेश्चन नंबर 10 करिए। द कंपाउंड इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड इज, कौन सा कंपाउंड नहीं घुलेगा बताओ जल्दी से, सिंपल सी बात है यार, कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं घुलता है, कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं घुलता है ना। चलिए, द पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट टू टुगेदर इन द सॉल्यूशन इज, द पेयर ऑफ द कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन सॉल्यूशन, कौन से एग्जिस्ट नहीं करेंगे बताइएगा, बताओ बेटा जल्दी जल्दी। क्या ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे एक साथ, ये दोनों कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते दोनों एक साथ,
ध्यान दीजिएगा, है ना, एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका नेचर एसिडिक है, इसका नेचर एसिडिक है और इसका नेचर बेसिक है, और वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो डोमिनेंट हो जाएगा कौन करेक्टर, डोमिनेंट तो न्यूट्रलाइज कर जाएगा खट से, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। 11 का ए, वेरी गुड अनमोल, बहुत सुंदर, ऐसे जवाब दो यार। 12 वाला दे दिए, 12 वाला जवाब दीजिए। बारह का जवाब दीजिए जल्दी से, इंतजार कर रहा हूं बारह के जवाब का। द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन द बॉडी, होती है, ठीक है ना, ये बना, इफ सीओ टू एस्केप फ्रॉम द बॉडी, अगर सीओ टू बॉडी से निकल जाती है तो पीएच डिक्रीज करेगी, क्या डिक्रीज करेगा, बताइए। H2CO3 विल डिक्रीजेज, ये आपने बोला रश्मि पंकज जी, ये आपने बोला, आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये चीज होती है तो इसका मतलब है कि HCO3 निगेटिव कंबाइन कर जाएगा H पॉजिटिव आयन से, भाई कार्बोनिक एसिड ये वापस हो जाएंगे ना, यस मनोज जी फोर्थ आंसर आएगा, H पॉजिटिव आयन विल डिक्रीजेस, ध्यान दीजिएगा। संजय जी नहीं, HCO3 डिक्रीज नहीं होगा, वापसी ले लेगा ये, ध्यान दीजिएगा, अगर CO2 का एस्केप करा दिया तो ये वापस हो जाएगा खट से रिएक्शन, ये इससे कंबाइन कर जाएगा, इफ CO2 एस्केप फ्रॉम द बॉडी तो ये इससे कंबाइन कर रिएक्शन बैक मार जाएगी खट से, तो ध्यान दीजिएगा फिर उल्टी रिएक्शन चलने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, 14 पे आइए, 13 14 पे आइए, दोनों के आंसर भेजिए 13 14 के हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आयनिक डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन इज रिप्रेजेंटेड एज दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड द रिएक्शन वाज़, तो 13 का लुबना ने बी आंसर दिया है। अगर आपको बताऊं तो ये कॉन्जुगेट एसिड है, जब ये कॉन्जुगेट एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस गंगा जल हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से फिर क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट टू एसिड्स एंड टू बेसिस दिखाई देंगे यहाँ पर, है ना, रिएक्शन जो होगी पजल्स होगी वो टू एसिड टू बेस के बीच में हो जाएगी, तो आंसर नंबर इसका सेकेंड आना चाहिए, जो शिवानी त्यागी ने आंसर दिया है वही आंसर राइट है। 14 वाले का आंसर दीजिएगा शिवानी। मैक्सिमम कहां पर हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, 14 वाले में सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कहां पर होगी बताइएगा, ठीक है बताइए जल्दी से, 14 वाले में बताइए, अनमोल लुबना सभी लोग बताइए, ठीक है आंसर आपका 14 का 2 सही है, कि यहां पर वैल्यू आपको मोर दिख रही है, मोर वैल्यू आंसर बिल्कुल आपने लिखा है, मोर वैल्यू आपके एसपी दिख रही है, तभी प्रेसिपिटेशन मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पॉसिबल है, बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनाब, मजा आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखा दूं, यहां पर थोड़ा सा हल्का सा ब्लर है, ब्लर है यहां पर, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ HgCl2 एट रूम टेम्परेचर इज 4.0 × 10⁻¹⁵, लिखे दे रहा हूं 4.0 × 10⁻¹⁵, द कंसेंट्रेशन ऑफ सीएल नेगेटिव आयन इन द, है ना,
इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल बी, इन द सैचुरेटेड लिखा है ठीक है, ये वाला वर्ड सैचुरेटेड है, बताइएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन शुड बी, बताइए 15 वाले का आंसर बताइए, नहीं फिर मैं बताता हूं। बताइए कि 15 वाले का आंसर। चलिए ठीक, मैं बताता हूं 15 वाले का, बोल दिया करिए, अच्छी बात है जी। सर आप बता दीजिए, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप, मैं इंतजार कर रहा हूं, हो सकता है आप जवाब दें। देखिए 15 वाले में कुछ मत करिए, HgCl2 को तोड़ दीजिए, HG डाई पॉजिटिव में, 2Cl नेगेटिव में तोड़ दीजिए, है ना। इसकी KSP वैल्यू दे रखी है, इसकी KSP की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 4, वैसे यहां से निकालो तो S और यहाँ 2S, तो इसका मतलब हुआ कि 4 दुनी 2 दुनी 4, यानी 4S³ आ जाएगी, 4S³ आ जाएगी, है ना। अब 4S³ इज इक्वल टू क्या हो गया, 4S³ इज इक्वल टू हो गया आपका 4 × 10⁻⁻⁶, माइनस माइनस का 15 दिया हुआ है, 15, ये वाला 15 है ठीक है, 15, तो यहां पर हो जाएगा आपका SQ, क्यूब इज इक्वल टू 4 × 10⁻¹⁵ डिवाइडेड बाई 4, काट दीजिए, SQ आ गया आपका 10⁻¹⁵, तो S आ गया 10⁻¹⁵, तो Cl आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, Cl आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन लिख लीजिए, Cl आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी 2 × भाई ये 2 गुना है, एस की वैल्यू मिल गई तो 2 × 10⁻⁵ हो जाएगी मोल पर लीटर, तो जब आप ढूंढ लीजिए 2 × 10⁻⁴ मोल लीटर यहां पर आ रहा है, सेकंड वाले में आ रहा है, 15 के सेकंड का आंसर मिला लीजिए। चलिए 16 वाले बताइए, 16 वाले का क्या जवाब होगा बताएं, 16 वाले का बताइएगा। सिक्सटीन वाला ही मैं बता देता हूं, चलिए। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द PbCl2 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, इतना दे रखा है, द सॉल्युबिलिटी प्लॉट निकाल लो यार, 16 वाला कर लेना। ये PDF जितनी भी है, कुछ लोगों की ये डिटेल थी कि सर ये PDF आप कहाँ डालते हैं, तो भैया किसी गड्ढे उड्ढे में नहीं डालता हूँ, PDF मैंने कल भी बताया था कि जहां पर प्रैक्टिस सेट बना हुआ लिखा है, PDF ऑफ द प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज जब लिखा हुआ वहीं जाइएगा, तो आपको हर PDF जो मैं पढ़ाता हूँ वो PDF वहीं डाल देता हूँ, जिससे कि आपको कहीं ज्यादा इधर उधर न ढूंढनी पड़े। तो 16 वाला लगा लेंगे ना, सॉल्युबिलिटी दे रखी है, तो इसका आ जाएगा KSP इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4S³ आ जाएगा, है ना, जहां तक मुझे याद है 4S³ ही आएगा यहाँ, तो यहाँ पर आपका 4 × S की वैल्यू दे रखी है 0.3 × 10⁻³, इसका होल क्यूब कर दीजिएगा, आंसर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, आंसर इसका निकाल लीजिएगा, तो आंसर आपका जो भी आएगा निकालिएगा। देखें तोड़ के दिखाता हूं एक बार, कहीं गलत ना हो जाए, देखिए PbCl2 है, तोड़ लीजिए, यहां मैं तोड़ता हूँ PbCl2 को, मैं तोड़ूंगा तो PB डाई पॉजिटिव बनेगा, PB डाई पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ये S हो गया, ये 2S हो गया, निकाल लीजिएगा द सॉल्बिलिटी ऑफ PbCl2, इतना देख इट्स सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकाल, अब निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 16 वाले का आंसर नंबर जो आपका आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 लगा दीजिए, ये भेजा है रश्मि पंकज ने, ठीक है। 17 वाले पे आइए फटाफट, देखिए क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया कवरेज हो रहा है, क्वेश्चन थोड़े सरल आए फिर कठिन आए, अब कैलकुलेशन बेस पे चल रहा है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AlOH का होल थ्राइस
एंड जेडन ओएच का होल थ्राइस दोनों का दे रखा है रूम टेम्परेचर पर। रेहान एंटी लॉग वाला वीडियो हमारी आप वीडियो में सर्च करिएगा एंटी लॉग, मैंने बहुत ट्रिक बताई है, बहुत जानदार ट्रिक बताई है एंटी लॉग। सेकेंडों में चुटकी बजाओगे एंटी लॉग बाहर आ जाए खट से निकल के। वो वाली वीडियो ढूंढिएगा, बहुत पुरानी वीडियो है, मिल जाएगी आपको, मैंने शुरुआत में ही बना करके डाल दी थी, है ना, लगभग उम्मीद है 1 साल 2 साल पुरानी वीडियो हो चुकी होगी। तो नीचे जाइएगा दिख जाएगा एंटी लॉग लॉग वाली कंडीशन आपको दिखेगी। अब ये ध्यान नहीं, मुझे भी खुद ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वीडियो पड़ी है, आप थोड़ी कोशिश करिएगा तो मिल जाएगी, है ना, लेकिन ट्रिकी मिलेगी, बहुत मस्त रिहान वीडियो मिलेगी आपको। तो ये 17वां वाला क्वेश्चन जो है इस पे हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए ए एल ओ एच का जो कंसंट्रेशन है, ए एल ओ एच का कंसंट्रेशन अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या करता है, ये इसमें जब ए एल ओ एच की कंसंट्रेशन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आप दोनों के दे रखे हैं, इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स एल, ठीक है, ऑन एडिंग एन एच फोर, तो सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा जैसे एन एच फोर ओ एच डालेंगे। तो एन एच फोर ओ एच जैसे ही डालेंगे तो उसमें जिसकी कंसंट्रेशन लो होगी वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो 17 वाले का आंसर मेरे हिसाब से फिर फर्स्ट होना चाहिए, अगर यानी कि सबसे पहले ये भाई इसकी जैसे ही हम डालेंगे एन एच फोर ओ एच, तो जिसकी कंसंट्रेशन जिसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कम आती है वो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो 17 का 1 हो जाएगा। 18 वाले पे आइए, इन द हाइड्रोलिटिक इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम दे रखी के हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ द सॉल्ट निकाल लीजिए 18 का। तो 18 वाले में कुछ नहीं करना, के एच इज इक्वल टू, अभी मैंने पढ़ा भी दिया फार्मूला, के एच इज इक्वल टू हो जाएगा के डब्ल्यू एसिड, है ना, हाँ सॉल्ट है, ठीक है। तो सॉल्ट की जब बात आती है तो इसका मतलब है यहाँ पर एसिड, द हाइड्रोलिटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द एसिड होगा ये ना, क्योंकि एच पॉजिटिव आयन लेगा ना, के ए दिया है तो इसका मतलब के ए ही रखेंगे ना यहाँ पर। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻⁴ के डब्ल्यू, वाटर का 14 होता है, और यहाँ पर 10⁻⁵ आ गया, ऊपर चला गया 10⁻⁹ बचा, जय हिंद हो गई इसकी इतनी देर में। तो इसका मतलब आंसर नंबर फिर हमारा ये आ जाएगा, 18 का 2 आ जाएगा। उन्नीस वाले पे चले आइए, 19 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पानी पी रहा हूँ गर्म और कुछ नहीं, आप परेशान ना होइए, सोचे अनुसार चाय पी रहे हम लोग से कह रहे तुम खाना वाना मत खाओ, पढ़ते रहो, है ना, गर्म पानी हल्का हल्का पीता रहता हूँ बीच बीच में, इससे मेरा गला मस्त रहे, आप भी गर्म पानी पीजिए इस समय थोड़ा बहुत। 19 वाले क्वेश्चन पे आइए, 19 वाले में के ए ऑफ अ वीक एसिड एच बी इज, इतना पी के भी बताना, अरे यार बहुत ही मस्त क्वेश्चन है 19, ये थोड़ा सा घुमाऊ है, कुछ नहीं, के ए की वैल्यू दे रखी, के ए की वैल्यू आपकी 10⁻⁵ दे रखी। एक बात आपको बता दूं, जब इसकी पी के ए निकालेंगे, के ए से पहले पी के ए निकाल दो, पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए हो जाएगा, मतलब पी के ए जब इसका आएगा तो आपको पता होना चाहिए पी के ए 5 आ जाएगा, है ना। तो अब आपको ये भी पढ़े लिखे प्राणी हैं आप सब लोग, पी के ए प्लस भगवान ने एक आप ही ऐसे बनाए हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाकी दुनिया में तो सब अनपढ़ है। कारण ये है कि मनुष्य ही एक पढ़ा लिखा प्राणी, और जानवर तो ना कहीं क्लास लेने जाते होंगे, आपने देखा होगा बोले जानवरों का स्कूल खुला है चलो भाई, तो ये वैल्यू पता लग गई, इसका मतलब यहाँ पर पी के बी जो आएगी वो पी के बी आ जाएगी आपकी, कितनी घटा दीजिए 5 तो 9 आ गई। तो इसका मतलब अगर पी के बी पूछी जाए तो 9 बताइएगा, और के बी पूछी जाए केवल तो 10⁻⁹ बता दीजिएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं थर्ड वाले पर टिक कर लेता हूँ, है ना, थर्ड वाले पर 18 का 2, 19 का 3, बाकी लोग भी सो गए क्या, देखें कितने लोग रह गए, दिखाऊं, देखो ये 18 रह गए, बाकी सो गए जाके, बहुत सुंदर, केबी का एग्जाम निकालोगे और ऐसे सो के निकालोगे यार, उसके बाद कहोगे सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कैसे होएगा, तपना पड़ेगा अपने आप को, तपाना पड़ेगा अपने आप को, जान लो ये भूल जाना पड़ेगा, नींद कहते किसे, 2-4-5 घंटे सोइए, 5-6 घंटे, बाकी मस्त रहिए हमारी तरह, केवल केवल आज की डेट में 5 घंटे सोता हूँ, बता दे रहा हूँ आपको, 5 घंटे, सुबह 5 बजे उठता हूँ, 11 साल, तुम्हें तो पता ही है 10:30 तक तो कभी कभी क्लासी हो जाती है, तो जाके तुरंत थोड़ा गया सीधा बिस्तर घुस गया एकदम से, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है, और सुबह 5 बजे उठ जाना, दिन में कोई रेस्ट नहीं होना, आप भी जान रहे होंगे, तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा, पॉसिबिलिटी करिए, है ना, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, आप हमसे ज्यादा ताकत रखते होंगे ये तय है। 26 वाले पे आइए, इन द हाइड्रोलिटिक, वो 21 वाले पे आइए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एस थ्री ओ पॉजिटिव आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन,
21 में आपको अगर ध्यान देना पड़े तो मैं आपको बताऊंगा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एच पॉजिटिव आयन। एच पॉजिटिव आयन कहाँ बढ़ेंगे, तो देखो एच पॉजिटिव आयन यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े, ये ठीक है, लेकिन यहाँ NaNO2 पॉसिबल नहीं है। NaNO2 सबसे पहले आना चाहिए। NaNO2 सबसे पहले कहाँ दे रखा है, ये तो होगा नहीं मेरे हिसाब से। फिर 21 वाले के में आ जाइए, NaNO2 सबसे पहले यहाँ थर्ड वाले पे आ जाइए। सपना मैसेज ना करो, मैं ग्रेट नहीं हूं, मैं ग्रेट नहीं हूं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, बस इतना ही हूं, है ना। सोने चिंता ना करो सपना, घबराना मत। थर्ड, यस, जो समय को पास करता है समय उसे पास करता है, दोनों बातें अपोजिट है, ध्यान दीजिएगा। जो समय को पास करता है समय उसे पास कर देता है, समय खट से पास लगा देगा आपके आगे। चलिए 22 पे आ जाइएगा। द नंबर ऑफ द आयंस फाउंड बाय द क्यूप्रामाइन, समझ रहे हो, कॉपर का मीन है क्यूप्रामाइन सल्फेट गेट्स डिजॉल्व इन वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितना यार मजेदार क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन जो है वो हिलाता है। देखिए कॉपर अमीन का जो है सल्फेट, अगर ले लेते हैं कॉपर अमीन सल्फेट, क्यूप्रामीन लिखा हुआ है, कॉपर अमीन सल्फेट ही है, अगर इसको पानी में डालेंगे तो कितने आयन बनेंगे। तो देखो पहले मैं आपको दिखाता हूँ Cu(NH3) का कितना, कर लो होल फोर कर दे, NH3 का होल फोर और बाहर SO4 कर दीजिए, तो बैलेंसी भी सेटिस्फाइड रहेगी। जब इसको तोड़ेंगे तो Cu(NH3) का होल फोर और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक दो पॉजिटिव और SO4 SO4 डाई नेगेटिव, तो दो बन जाएंगे आयन, दो आयन बनेंगे। वारे सपना मजा आ गया, तुमने जीत जीत लिया मेरा, बहुत सुंदर बेटा, शाबाश मेरे बिलाल, ऐसे ही जगते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, हम भी जगेंगे, कोई टेंशन ना ले। देखो एक चीज आपको बताऊं, बहुत इसको आप लोग अदरवाइज कतई ना लीजिएगा, मैं तो ये मानता हूं कि जब हमें अपना सपना पूरा करने के लिए नींद आना बंद हो जाए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ ना, तो यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं इतना बोलता हूँ, अगर एक क्वेश्चन मुझसे फंस जाए और नहीं हो, राहुल 22 का, राहुल सही है, 22 का 2 है राहुल, अगर एक क्वेश्चन मुझसे कोई फंस जाए, ऐसा नहीं कि मुझे सब क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझसे कभी कभी नहीं हो पाते, तो अगर मुझसे क्वेश्चन फंस जाए तो सोता तभी हूँ जब क्वेश्चन पूरे लगा लेता हूँ, उससे पहले नहीं सोता हूं, नींद ही नहीं आती, सोता नहीं, नींद ही नहीं आती, टेंशन बनी रहती है यार क्यों नहीं हो रहा, ये कौन सी मैं चीज यहाँ गलत कर रहा हूँ जी, मुझसे क्वेश्चन नहीं हिल रहा है, तो सर नींद ही चली जाती है, और फिर नींद तब बहुत बढ़िया आती है उस समय जिस समय वो क्वेश्चन लग जाता है, ऐसा लगता है यार यार जितनी सी बात थी देखो ध्यान नहीं आ रही थी। तो ये चीज आप अंदर पैदा कीजिए, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए रजैया खींच लेना कस के और जी भर के सोना, जितना सो मिले कोई टेंशन नहीं, कह देना मोहल्ले वालों से आज मोबाइल भी साइलेंट है, घंटी के तार भी काट देना घर के, कोई दिक्कत नहीं, दरवाजे पे ताला मार देना, बाहर से मार चाबी दे देना बाहर वाले को, ताला लगा दो, बोले आज हम सोएंगे यार, 24 घंटे बाद उठना मस्ती से, जाना सीधे सीधे अपॉइंटमेंट लेटर लेके, बोले जय हिंद हो गई। तो यहाँ पर क्या करना है, 23 वाले पे आइए, 22 वाले का आंसर दे दिया आपने सेकंड, 23 वाले का आंसर दीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इज, बता दिया है कि उन्होंने बताया, 23 का भी सपना ने बता दिया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो एक एच पॉजिटिव आयन से डिफर करता है, बहुत सुंदर बेटा। 24 वाले का देखो एनर्जी आ गई तुरंत ही, अरेंज द एसिड्स फर्स्ट, ये फर्स्ट फॉलोइंग सब दे रखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक चरित्र बताना है, एसिडिक करेक्टर के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग तो फिर ये हुआ, उससे वीक ये, फिर तो इसका मतलब ये लाइन से ही लगे हुए हैं, है ना, लाइन से लगे हुए हैं, तो थर्ड फर्स्ट सेकंड यानी आंसर नंबर 24 का थर्ड लगा दो, 24 का 3, वेरी गुड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, सबसे बढ़िया एसिड कौन होगा, जो सबसे वीक, जिसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, और बॉन्ड मेरे हिसाब से इसका नहीं टूटेगा, इसका नहीं, HBr नीचे आ गया, साइज में बड़ा हो गया, बिल्कुल नाइस, 25 का 3 लगाइए, झम से, द ट्रू स्टेटमेंट PH3 इज मोर बेसिक देन अमोनिया, नहीं ऐसा तो हमने सुना नहीं, ऐसे ही सुना, नहीं सुना हमने, तो ये स्टेटमेंट तो सही है नहीं, pH जो होता है कम बेसिक होता है, चलो देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, PH3 इज लेस बेसिक देन अमोनिया, यानी तीसरा वाला टिक कर ले,
27, 26 का तीसरा टिक कर ले रहा हूँ, तो 26 का मैं तीसरा टिक कर देता हूँ। 27 पे आ जाइए, 27 पे मोलर हीट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द NaOH एंड HCl इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द QH विद HNO3 इज क्या होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब। अगर दोनों के बीच में यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन NaOH प्लस HCl अगर मैं मिला देता हूँ, तो फिर आपको याद होना चाहिए कि मोलर हीट कैपेसिटी दोनों की जुड़ जानी चाहिए। तो 27 का आंसर जो है फिर मेरे हिसाब से क्या होगा, यानी इन दोनों का, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बराबरी तो दोनों की आएगी। कंपेयर करोगे तो लगभग बराबर आएगी, तो लगभग बराबर तो है नहीं इसमें, तो इक्वल वाले पे, थर्ड वाले पे टिक कर देता हूँ। और दोनों की वैसे वैल्यू भी बता देता हूँ, मुझे लगभग जो मेरे पास वैल्यू नोट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी 13.7 है और इसकी भी 13.7 है, दूसरे वाले की KOH और HNO3 दोनों की वैल्यू जो है 13.7 ही दे रखी है, तो ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 28 वाले पे चले आइए, 28 वाले पे आइए। ठीक है, 28 वाले क्वेश्चन पे, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस इन द सोल्यूशन ऑफ, किसके प्रेजेंस में होती है, तो 28 वाले का मेरे हिसाब से फिर एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, एच नहीं ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक है, तो बेटर फिर यही फोर्थ वाला लगाइए, 28 का डी लगाइए। ठीक है, विच इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एसिड बेस रिएक्शन यूजिंग द लुईस एसिड बेस डेफिनेशन बट नॉट यूजिंग द ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। बहुत सुंदर क्वेश्चन है जनाब, इसका आंसर में देखो, ये तो सब लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव, तो ये तो हटा ही दो, फिर एक ही बचा हमारे पास, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये मतलब है कि ब्रॉन्स्टेड लोरी से नहीं एक्सप्लेन होगा, लुईस कॉन्सेप्ट से ही चलेगा, तो यहाँ पर लुईस एसिड बेस डेफिनेशन ही काम करती है। ध्यान दीजिएगा 29 का जो आंसर हमारा आ गया है, वो 29 का आंसर फोर्थ हमारा, वो फोर्थ, हाँ फोर्थ आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 30 पे आ जाते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, है ना, मेरे साथ चलिए, बिल्कुल सही है आपने, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 29 का डी ही होगा, बिल्कुल एक्यूरेट लुबना, 100% राइट, यू आर राइट मेरे लाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ मिक्सड सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट किसमें है, तो 30 वाले का अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो ये एक मिक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल माना जाता है, ये मिक्स सॉल्ट में आता है ना, ब्लीचिंग पाउडर जिसे CaOCl2 लिखते हैं, जिसे आप CaOCl और Cl ऐसे करके लिखा जाता है, तभी पॉसिबिलिटी बनती है, एग्जैक्ट लिखने का तरीका भी यही है। 30 का 3 कैसे हो जाएगा, मिक्स सॉल्ट, ये तो सिंपल, ये आपने देखा होगा डबल सॉल्ट में जब हम लोग देखते हैं, तो ये डबल सॉल्ट हो गया, डबल सॉल्ट है मेरे लाल, दसमी पंकज जी, ये डबल सॉल्ट है, सेकंड वाला आंसर होगा मिक्स सॉल्ट में, 30 में, है ना, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है मिक्स सॉल्ट होता है, क्योंकि ये दो डिफरेंट नेगेटिव आयंस देता है, इट गिव्स टू डिफरेंट नेगेटिव आयंस, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, अदर देन OH आयन, कंफ्यूज ना होइए, कतई मत कंफ्यूज होइए, डबल सॉल्ट था ये मिक्स नहीं था। चलिए इसके बाद आ जाइए 31, विच भी बेसिक सॉल्ट, अरे यार ये तो कोई भी बता देगा कौन सा सॉल्ट बेसिक है, तो मेरा पेन ही वहाँ रुक गया जहाँ चलने डॉट ही रख गया वहीं पर, तो 31 का 4 लगा लीजिएगा, बेसिक सॉल्ट है ये, झम्मस है। सम सॉल्ट ऑल दो कंटेनिंग टू डिफरेंट मेटेलिक एलिमेंट्स, सम सॉल्ट ऑल दो कंटेनिंग टू डिफरेंट मेटेलिक एलिमेंट्स गिव टेस्ट फॉर ओनली वन ऑफ देम इन द सोल्यूशन, सच सॉल्ट आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, 32 बताइएगा, 32 सपना 30 को समझा दे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल बी द मिक्स, ये एसिडिक सॉल्ट है, ये एसिडिक है क्योंकि एच पॉजिटिव आयन देता है, ये डबल सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है, और ये बेसिक सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है, ध्यान दीजिए इसको, तो फिर आंसर ऑटोमेटिकली 30 का फिर क्या हुआ, ये मिक्सड सॉल्ट में चला जाएगा, दोनों में दोनों आयन पॉसिबल है, टू आयन सब में, बाकी एक एक नेगेटिव, लेकिन दोनों में दो डिफरेंट नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ OH है, अगर OH यहाँ भी होता तो फिर ये बेसिक में चला जाता, लेकिन अदर देन OH, टू डिफरेंट नेगेटिव आयन अदर देन OH आयन, ये बोलना पड़ेगा आपको। चलिए 33 वाला बताइएगा, 32 थ्री हो जाएगा। ठीक है रेहान, बहुत सुंदर मेरे लाल। 33 पे आइएगा, एलम इज
एलम क्या होती है? डबल सॉल्ट होती है। अभी ऊपर बताया कि एलम एक डबल सॉल्ट होती है, अभी बताया देखो ये एलम डबल सॉल्ट होती, लिखा ही मैंने एलम डबल सॉल्ट होती। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbCl2 एट 298 केल्विन इज, इतना हो गया ना, बताइए। एट दिस सॉल्बिलिटी निकाल लोगे PbCl2 की मोल पर लीटर में, 34 वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, 34 आप खुद करिएगा, इसकी निकालिए PDF और 34 खुद करिए, है ना, खुद करिएगा। 35 मोहर सॉल्ट आपको पता होना चाहिए, मोहर सॉल्ट भी एक टाइप का डबल सॉल्ट ही होता है, मोहर सॉल्ट भी एक टाइप का डबल सॉल्ट होता है भाई, ध्यान दो। रिलेशन बिटवीन KH के, हमने अभी लिख करके दिखाया भी था आपको, कौन सा रिलेशन होगा यहाँ पर, यहाँ पर रिलेशन फर्स्ट होगा मेरे हिसाब से, आप नोट कर लीजिए। अभी आपको मैंने पीछे जो पढ़ाया इसीलिए क्लू दिया था, रिवीजन क्लू दिया था आपको, बहुत सारे क्वेश्चन क्लू से मिल रहे होंगे आपको। व्हेन NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर द सोडियम आयन इज, क्या हो जाएगा? सोडियम आयन तो मेरे बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए कि ये हाइड्रेटेड हो जाता है, सोडियम आयन या ऑक्सीडाइज ना लिख देना, सोडियम आयन पूछा है उसने, ये चारों तरफ से वाटर से घिर जाता है, चारों तरफ से वाटर से घिर जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है, बहुत सुंदर, हाइड्रेटेड हो जाता है। इसके बाद एन इलेक्ट्रोलाइट गिव कॉम्प्लेक्स आयन इन द सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन वाटर टू गिव आयंस इन, इज आयोनाइज्ड इन द सॉलिड स्टेट, जनरेट आयंस ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। तो 38 वाले का जो आंसर है वो मेरे हिसाब से फिर क्या होना चाहिए, डिजॉल्व इन वाटर टू गिव आयंस, इलेक्ट्रोलाइट पानी में घुलता है और आयंस बनाता है, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, 38 का बी, ठीक है। सो लुबना, यू लुबना बिटिया तुम मेहनत कर रही हो। एक्वा सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, एक्वा सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड ड्यू टू, किसकी वजह से चेंज कर देते हैं? तो मुझे ये है कि इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और वाटर जब हाइड्रोलाइज, जब मतलब हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस में, आंसर आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। ये दोनों तो होते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है ना। 39 वाले का देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अभी क्वेश्चन की सीरीज हमारी लगातार चल ही रही, रुक कहीं पर नहीं रही है, आप लोग सहयोग बनाए रखिए, हम क्वेश्चन कराएंगे पूरे। 40 पे आइएगा जल्दी से, पूरे हो जाएंगे, सीट बंद करेंगे फिर क्लास। Cl नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस है तो HCl का होगा, Cl नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस, तो हमें तो यही दिखाई दे रहा है, सेकंड वाला दिखाई दे रहा है, 40 का सेकंड दिखाई दे रहा है ना। अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट वाटर इज बोथ एसिड बेस की तरह काम करता है, तो यहाँ पर बोथ एसिड बेस लगा लेता हूँ। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ओच नेगेटिव आयन बेस कैन बी डेराइव्ड, ओच नेगेटिव आयन बेस कहाँ से ड्राइव हुआ होगा? तो वाटर से ड्राइव हुआ होगा, इसमें से तो हम ओच निकला होगा, पानी में से ही निकला होगा मेरे लाल। तो 43 की बात करता हूँ, 43 में आइए, इन द रिएक्शन दे रखी है, इन द रिएक्शन 2H2O रिवर्सिबल H3O पॉजिटिव आयन ओच नेगेटिव आयन वाटर इज, पानी क्या है? 43 वाले पे चले आइए, 43 वाले पे पानी दोनों की तरह बिहेव करता है, वीक एसिड की तरह, वीक बेस की भी तरह भी करता है, तो ये मेरे साथ बोथ वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। थर्ड वाला लगाइए, 43 का थर्ड लगाइए, ठीक है। इसके बाद 44 पे चले जाइए, इन द रिएक्शन ये दे रखा है BF3 इज लुईस एसिड है, लुईस एसिड ढूंढ लीजिए, 44 का फर्स्ट कर लीजिए, 44 का फर्स्ट कर लीजिए। एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, इथाइन में होता है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, एसिडिक हाइड्रोजन इथाइन में होता है, पढ़ लीजिएगा। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द CH3 का होल ट्वाइस एन H2 पॉजिटिव, कॉन्जुगेट बेस एक H पॉजिटिव निकाल दो इसमें से, एक H निकालोगे तो बन जाएगा NH, तो यहाँ पर NH ढूंढ लो कहाँ पर है, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है, 46 का 4 दिखाई दे रहा है। इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट, इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द फेरस सल्फेट बाई एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन द टिपिकल लुइस बेस इज, यहाँ पर टिपिकल लुइस बेस क्या होना चाहिए बताएंगे आप? तो टिपिकल लुइस बेस जो होगा, देख, इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट बाई एसिडिफाइड KMnO4, तो फेरस सल्फेट है ना, तो Fe डाइपॉजिटिव होगा, Fe डाइपॉजिटिव वाला आंसर आएगा इसमें, ध्यान दीजिएगा, है ना, Fe डाई पॉजिटिव आएगा इसमें आंसर, है ना, दिए ही फेरस सल्फेट ही दिया हुआ है, द टिपिकल बेस वही होगा। द वैल्यू ऑफ द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर द सम एसिड आर एस फॉलोज, इंडिकेट विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यार सिंपल सी बात, जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी, तो 48 वाले में आंसर जिसका ज्यादा वैल्यू होगा
वो स्ट्रॉन्ग होगा तो इस ज़्यादा वैल्यू कहाँ दिख रही है, ये भी ये तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आपकी ये है, इसको देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द वीक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ए वीक एसिड, ये वीक एसिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको बताना चाहूँ कि वीक एसिड वो होते हैं जिनकी पी के वैल्यू जो होती है वो मोर होती है, तो यहाँ वेरी लो होती है, तो यही वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रोंस्टेड एसिड ऑफ द, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रोंस्टेड एसिड ऑफ द बेस ओ एच निगेटिव आयन, तो फिर इसका तो आंसर आपको बिल्कुल रटा ही होना चाहिए, गंगा जल होता है। लगा देता हूँ फर्स्ट, गिवन अ सॉल्यूशन, गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग विच सॉल्यूशन विल कंटेन द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो इसे तो कोई भी लगा लेगा भाई यार, हाइड्रोनियम आयन लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन कहाँ होगी, जहाँ पर जल्दी आयोनाइजेशन होगा, जहाँ पर तेजी से आयोनाइजेशन होगा, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड करेगा, इसका नाम HCl होता है। सिंपल सा तरीके से लगाइए, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे गड़बड़ा जाएगा। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NH4CN इज, कैसा होगा, तोड़ लो NH4CN को, जैसे ही NH4CN को आप तोड़ोगे तो बनेगा NH4 पॉजिटिव आयन और साथ में CN नेगेटिव आयन, ये NH4OH बना लेगा, ये HCN दोनों तो वीक दिख रहे हैं, जब दोनों वीक दिख रहे हैं तो मामला मामला खतरे में चला जाएगा, और जब मामला खतरे में चला जाएगा तो फिर मेरे हिसाब से जो है वो हल्का सा, भाई HCN तो वेरी वीक बेस हो गया, हल्का सा बेसिक नेचर इसमें दिखाई देना चाहिए, है ना, वीक बेस हालांकि दोनों है लेकिन के NH4OH का जो KB होता है वो थोड़ा सा कम हो, मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, कम नहीं ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू HCN, बस इतनी सी बात है। इसीलिए कैसा होना चाहिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा फेंटली बेसिक होना चाहिए, लाइटली बेसिक होना चाहिए। द मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ द मर्क्यूरस क्लोराइड इज, मर्क्यूरस क्लोराइड इन वाटर विल बी गिवेन एज, तो यहाँ पर क्या होगा, एस इज इक्वल टू, अभी तो तुम ही निकाल लोगे 53 वाले को, तुम निकाल करके देखो क्या आएगा। मर्क्यूरस में हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब तोड़ा ताड़ी करिएगा तो HgCl को अपने हिसाब से तोड़ लीजिएगा, तो मेरे हिसाब से आंसर जो है वो वही क्यूब बल आएगा, वही क्यूब बल आएगा, यानी कि HgCl Hg2Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये आपका बन गया एस Hg2Cl2 है ना, तो इसमें बनना चाहिए Hg2Cl2, Hg2Cl2, तो यहाँ पर ये कंडीशन बनी, HG डाई पॉजिटिव आयन 2Cl नेगेटिव आयन, सॉरी सॉरी सॉरी, HG डाई पॉजिटिव आयन प्लस, यानी Hg2Cl2 है ना, मर्क्यूरस है ना, मर्क्यूरिक तो है नहीं, तो Hg2Cl2 करिए आप इसे, Hg2Cl2 को जब आप तोड़ेंगे तो ये बनेगा HG2 डाई पॉजिटिव करिए तो गड़बड़ा जाएगा यार, ये तो कुछ क्वेश्चन डाउट लग रहा है इसमें। 53 वाले का आंसर क्या ये आ रहा है, सेकंड बताइए, 53 वाले का सी आ रहा है लुबना, सी आ रहा है लुबना, मोलर सॉलिबिलिटी पूछ रहा है ना, एक बार देखना पड़ेगा यार, कुछ गड़बड़ा गया एकदम से, दिमाग गड़बड़ा गया पढ़ाते पढ़ाते, क्या 4s³ आ रहा है, Ksp इज इक्वल टू 4s³ आ रहा है, तो s³ इज इक्वल टू आ जाएगा Ksp डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, हाँ ठीक है, सही कह रही बूढ़ा, बिल्कुल एग्जैक्ट कह रही जी लुगना, हाँ ठीक कह रही है, HgCl2 मर्क्यूरिक होना चाहिए था, मर्क्यूरिक अगर ये होगा तो मर्क्यूरिक, हम क्या मर्क्यूरस पढ़ रहे हैं, मर्क्यूरस लिखा हुआ लुगना यहाँ पर, हम मर्क्यूरिक ये जब ये निकालेंगे तो मर्क्यूरिक का आंसर आ जाएगा, अगर आप ये निकाल रही हो तो मर्क्यूरिक का हुआ ये लुबना, ये मर्क्यूरिक का हुआ, चेक करिए HgCl2 Hg2Cl2 मर्क्यूरस, HgCl2 मर्क्यूरिक, ध्यान दीजिए। इसको निकालिए को बताइएगा इसको, मुझे लग रहा है कि आंसर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, चलिए बताइएगा जैसा भी हो, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हल्का सा डाउट मुझे हुआ है, बाकी नहीं।
हाँ इसी से तो आंसर ये आ ही जाएगा, इससे तो आंसर आ ही जाएगा। मर्क्यूरी का अगर कर लोगे तो आंसर फिर ये आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट है। मर्क्यूरी का अगर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरी का आंसर कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है चलिए, फिफ्टी फोर लगाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सॉल्यूशन ऑफ द BSO4 इज अनसेचुरेटेड। तो यहाँ पर 54 वाले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड तभी रह पाएगा, सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड तभी रह पाएगा जब आयनिक कंसंट्रेशन KSP से कम होगी, KSP से कम होनी चाहिए। तो KSP से कम केवल 54 वाले में है, 54 वाले में है। द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द सिंपल ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अभी मैंने आपकी बताई थी कि सिंपल अभी मैंने पीछे लिखी भी थी, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी भी था, अभी पीछे लिखी थी, बिल्कुल डिट्टो लिखी थी। इसके बाद आ जाइए 56 वाले पे, 56 में चलिएगा। एम्फोटेरिक बिहेवियर इज शोन बाई, एम्फोटेरिक बिहेवियर किसके थ्रू शोन होता है? तो एम्फोटेरिक बिहेवियर दोनों के दोनों एच पॉजिटिव दे सकते हो, ले भी सकते हो, दोनों के अंदर पॉसिबिलिटी। तो 56 वाले पे चले आइएगा, सेकेंड लगा लीजिएगा। द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इन इट्स 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन दे रखी इज फाउंड टू बी 50%। ये है ना 50% डिसोसिएटेड लगा दिया इन्होंने। और इसके बाद कह रहा है द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 0.05 मोलर, द परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट शुड बी, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए इसकी। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सॉल्ट जो वीक एसिड की और वीक बेस की होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कंसेंट्रेशन पर, तो कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होती, तो जो है वही रह जाएगी, जो है वही रह जाएगी, मतलब 50 ही रहेगी, इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देता हूँ इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन, इसके लिए इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर 58 में आइए, KSP ऑफ AgCl इन वाटर इतना दे रखा है ना, ये वैल्यू एडेड टू KSP सॉल्यूशन विल बी KSP ऑफ द AgCl इन वाटर एट 25 डिग्री दे रखा है, तो आप ये निकाल दीजिए, 58 वाला कर लीजिएगा, 58 वाला आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी ये क्वेश्चन KSP पे चल रहा है, ये वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा तो करिएगा। 59 पे आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सॉल्यूशन AgBr इज सुपर सैचुरेटेड। इतनी बात ध्यान रखिएगा, सुपर सैचुरेशन तभी होगा जब आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, आयनिक कंसंट्रेशन जहां ज्यादा हो जाएगी भाई सुपर सेचुरेशन कर देगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वाटर एट 298 पता ही है, दुनिया को पता है, 60 वाले का, यानी कि कितना होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 298, 298 पे जब भी निकाला जाएगा तो आपका मोलरिटी कितनी 55.5 रखते हैं, तो ये वैल्यू रखिएगा ऊपर 10^-14 डिवाइडेड बाई 55.5 रखिएगा, वैल्यू सबसे सबसे कम आएगी, सबसे कम वैल्यू मुझे यही दिख रही है, यहाँ पर फोर्थ वाली ही दिख रही है, सबसे कम वैल्यू यही दिख ही रही है, मैंने डायरेक्ट इसलिए बोल दिया कि उसमें और कोई वैल्यू ऐसी दे नहीं रखी है। KB फॉर द बेस BaOH, BOH का BOH इज 1 × 10⁻⁵, इट्स PK विल बी अपोजिट हो जाएगा, भाई PK लॉग के टर्म में निकाल दीजिएगा तो 5 आ जानी चाहिए, और 5 भी कैसी आएगी, माइनस की आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 9 आएगी, 9 आनी चाहिए मेरे हिसाब से। 61 वाले पर आप 9 निकालिएगा, क्योंकि पीछे ये pH दे रखी है ना, PKa दे रखा है, तो यहाँ से PKb निकलेगा, पहले PKb निकलेगा फिर घटाओगे 9 आएगा। ठीक है 62 वाले पे चले आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, कहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी मैक्सिमम होगी, जिसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, जिसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी, सॉरी मोर Ka, मोर एसिडिक, तो दो एक ही के दिया है तो मोर एसिडिक ये हुआ इन दोनों के। PK की वैल्यू देखिए, इन सबको मिलाइए एक ही टर्म में बदल लीजिए सबको, जब के की एक ही टर्म में बदल लोगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द एसिडिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर 62 वाले में आपको क्या करना पड़ेगा कि KB की वैल्यू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द एसिडिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, इन सबका रिलेशन देखना पड़ेगा, यहाँ पर इन सबका रिलेशन देखना पड़ेगा और एक ही टर्म में सब कन्वर्ट करने पड़ेंगे, है ना। चलो देखता हूँ, KA इंटू KB
इज इक्वल टू के डब्ल्यू होता है, के ए की वैल्यू रख दीजिए, के ए की वैल्यू ये हो गई, और के बी की वैल्यू ये हो, के बी निकाल दीजिए, तो के बी इज इक्वल टू हो जाएगा के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के ए हो जाएगा। तो इसका मतलब वो 10^-14 डिवाइडेड बाई के बी, और बेस का के बी कितना दे रखा है, मान लेते हैं ये वाला वैल्यू रखते हैं, बेसिक यही हुआ, बाकी तो सब नहीं हुए, तो यहाँ पर रख देता हूँ 11, तो ये बचा आपका 3, 10^-3 बचा। 10^-3 बनने का मतलब है कि के ए की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, के ए की वैल्यू मैक्सिमम इस के बी के लिए ही पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, फोर्थ वाला लगा लीजिएगा, फोर्थ वाला लगा लीजिएगा, इसके बाद लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65, ये क्वेश्चन लगाइएगा, ये क्वेश्चन 63, 64, 65, 66, ये क्वेश्चन लगाइए, चारों को मैं पीडीएफ लगा रहा हूँ, पीडीएफ लगा करके देखिएगा, देखिए 16 लोग केवल बचे हैं, है ना, 63, 64, 65, 66, और एक पन्ना आपके केवल ये वाला लगा हुआ है, 67, 68, 70 क्वेश्चन टोटल है, इनको लगा लीजिए। और लगाने के बाद ये पीडीएफ आपको बता दे रहा हूँ कि ये पीडीएफ हमारे प्रीवियस ईयर वो आपके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज लगी हुई है, उसी के अंदर है। दूसरी चीज आपको बताऊँ, आंसर इसमें सबसेट है, अगर कोई आंसर में डाउट लगे पूछिएगा, कंफ्यूजन लगे तो आंसर को क्लियरिफिकेशन हमसे कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम आपसे कल एक प्लान, जो चैप्टर हम लोगों को डिस्कशन करना है आपके साथ में, वो हम आपको बताए दे रहे हैं कि अब हम लोग थोड़ी सी जो फिजिकल बची है वो कल और भी देखेंगे, उसके बाद हम ऑर्गेनिक पर डटेंगे, फिर हम ऑर्गेनिक पे परसों से हम लोग ऑर्गेनिक का स्टार्टिंग करेंगे, कि ऑर्गेनिक जीओसी से लगाएंगे लाइन, और एल्केन एल्केन एल्काइन लाइन से चलते रहेंगे, है ना। तो फिर जब तक इसको आप तैयार कर लीजिए, हम आपसे फिर कल जो है फिर मिलेंगे आपसे 9 बजे, कल फिजिकल में मैं मैसेज कर दूंगा, देख लूंगा सीखा कौन सा चैप्टर हमें डिस्कशन करना है। ओके ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। लुमना कॉमन पेपर के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या करना है, कॉमन पेपर के लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा, अगर आप उसे यूज कर पाए तो यूज करिएगा, लिंक कॉमन पेपर का दे दूंगा, तो उसे यूज करिएगा, बहुत अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। आज लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन लिंक ज्वाइन करने से पहले मुझे बताइएगा जरूर।